हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ पम्पकिन की मस्टर्ड ग्रेवी वाली सब्ज़ी। तो इसके लिए सबसे पहले पम्पकिन के स्किन को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। स्किन को साफ़ करने के बाद पम्पकिन को छोटे और मोटे टुकड़े में, देखो इतना मोटा रहना चाहिए, ऐसे इतने मोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। कट करने के बाद अभी हम एक आलू के स्किन को भी, आलू भी यूज करेंगे, उसके स्किन को निकाल के उसको भी मोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। अभी एक कढ़ाई में तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद जब तेल गर्म हो जाएगा तो उसमें अपने कटे हुए पम्पकिन को डाल देंगे। सारे पम्पकिन को डाल के इसको भूनना है, लाल होने तक पकाना है और हमें इसको ढक के पकाना है और बीच बीच में चेक करते रहना है। जब हमारा पम्पकिन 70% पक जाए ना तो हमें इसको निकाल लेना है। देखो ऐसा रहना चाहिए, इतना पकना चाहिए, एकदम लाल होने तक एकदम अच्छे से उसको फ्राई करना है। अभी फिर उसी कढ़ाई में तेल डाल देंगे और अभी आलू को भी लाल होने तक भूनना है, तो फ्राई करना है, ठीक है। उसके बाद मसालों के लिए मैंने लिया है 2 चम्मच मस्टर्ड सीड, सरसों, प्याज, जीरा, काली मिर्च, लहसुन, अदरक और टमाटर, ठीक है। अभी इन मसालों को इनका एक पेस्ट बना लेंगे। अभी देखो मैं सबको मिक्सर जार में डाल दी हूँ और अभी इसमें एक छोटा टीस्पून काला सरसों भी डाल देंगे, ठीक है। अभी देखो हमारा आलू फ्राई हो गया, अभी इसको निकाल लेते हैं। और अभी मसालों में फिर उसमें ऐड करेंगे हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और पानी डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट चाहिए, देखो ये देखो मैंने कैसा पेस्ट बनाया ना, ऐसा पेस्ट तैयार कर लेना है आप लोग को, ठीक है। जब पेस्ट तैयार हो जाए तो फिर जिसमें फ्राई किए थे ना आलू और पम्पकिन को, उसी कढ़ाई में वापस से हम डाल देंगे मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे। जब तेल गर्म हो जाए तो उस तेल में डाल देंगे मेथी दाना, सूखी लाल मिर्च, हींग और अपना पिसा हुआ पेस्ट मस्टर्ड वाला, मस्टर्ड, प्याज, लहसुन, अदरक जो हमने बनाया था ना पेस्ट, उसको डाल के उसको अच्छे से भूनना है। मसाला जितना अच्छा भुनेगा उतना अच्छा आपका सब्जी बनेगा। और फिर अभी डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और इन मसालों को भी ढक के पकाएंगे। थोड़ा पानी डाल दें ताकि ये मसाला आपका चिपके ना और जले ना, और इसको मसाले को पानी डाल के ढक के पकाएंगे जब तक हमारा तेल मसाला अपना तेल ना छोड़ दे। मसाला जब तेल छोड़ देगा तब तो समझना कि आपकी सब्जी यम्मी वाली सब्जी तैयार होने वाली है। तो जब मसाला देखो अच्छे से भुन गया था तो अभी हमने फ्राई किए हुए आलू और पम्पकिन को डाल दिया है। जब और इसको भी मसालों के साथ 2 मिनट, 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे ताकि मसाला अपने पम्पकिन और आलू में भी जाए। और उसके बाद इसमें डाल देंगे पानी। पानी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। ये सब्जी मोस्टली वैसे चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है, तो आप उस हिसाब से पानी रखना। और अभी मैं इसमें तड़का लगा रही हूँ। तड़का के लिए मैंने घी लिया, उसमें डाल दिया राई, सूखी लाल मिर्च, हींग और अभी यहाँ पे डाल दी मैं कलर वाली लाल मिर्च ये और करी पत्ता। डालने के बाद इसमें सब्जी में शकर लगा देंगे। शकर लगा दिया, देखो कितना टेम्पटिंग लग रहा है, बहुत यम्मी बनता है ये सब्जी। एक बार ज़रूर ट्राई करना, मेरे कहने से एक बार बनाना, ट्राई करना, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करना कि कैसा बना था आप लोगों ने ट्राई किया। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। और ये सब्जी राइस के साथ बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, तो राइस के साथ ही यूज करना मेरे कहने के अनुसार। देखो अभी मैं, चलो मैं इसको सर्व करके दिखाती हूँ। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, देखो बहुत यम्मी बनी थी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना और अच्छा लगता है। अगर मेरी रेसिपी सच में आप लोग को अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे पास धनिया पत्ता नहीं था, आप इसको धनिया पत्ता से